टी20 क्रिकेट का लगभग हर रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके वेस्टइंडीज के दिग्गज बल्लेबाज क्रिस गेल जब भी मैदान पर उतरते हैं तो सभी की निगाहें बस उन्हीं पर होती है। बात चाहे उनके बल्ले से निकलते चौकों और छक्कों की हो या फिर फील्डिंग के दौरान उनके मस्त मौला अंदाज की। गेल का अंदाज सबसे निराला रहता है, मगर गेल कभी कभी अपने अंदाज में इतना ज्यादा बह जाते हैं कि मर्यादा तक पार कर जाते हैं। ऐसा ही एक वाक्या आज के ही दिन 4 साल पहले 2016 में हुआ था, जब क्रिस गेल ने ऑस्ट्रेलियाई जमीन पर बिग बैश लीग में एक महिला रिपोर्टर पर अश्लील कमेंट कर दिया था, वह भी कैमरे के सामने। दिग्गज बल्लेबाज की इस हरकत के बाद क्रिकेट जगत में बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। दरअसल साल 2016 के बिग बैश लीग के सीजन में मेलबर्न रेनेगेड्स की ओर से खेल रहे क्रिस गेल जब आउट होकर पवेलियन लौटे, तब चैनल 10 की मिल मैकलालिन ने उनका इंटरव्यू किया। इसी दौरान गेल ने कहा कि मैं खुद भी तुम्हारे साथ इंटरव्यू के लिए आना चाहता था, मैं तुम्हारी आंखें देखने आया, यही वजह है कि मैं यहाँ हूँ। उम्मीद है कि मेरी टीम ये मैच जीत जाएगी और उसके बाद साथ बैठकर ड्रिंक करेंगे। डोंट ब्लश बेबी। गेल के इस हरकत पर उनकी फ्रेंचाइजी ने 10,000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यानी करीब 5.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। हालांकि यह पहला मौका नहीं था जब क्रिस गेल इस तरह के विवाद में फंसे थे, इससे पहले भी वह कई मौकों पर सीमाएं लांघ चुके हैं। ऐसा ही एक वाक्या आज से 6 साल पहले यानी 2014 में हुआ था। यह मामला तब कैरेबियाई प्रीमियर लीग में सामने आया था, तब क्रिस गेल एक महिला रिपोर्टर पर अभद्र टिप्पणी की थी। दरअसल महिला रिपोर्टर ने गेल के पिच की सतह के बारे में पूछा था, जिस पर गेल ने उनकी टीम को अगला मैच खेलना था। इस सवाल के जवाब में गेल ने महिला रिपोर्टर से कहा था कि मैंने अभी तक तुम्हें छू कर नहीं देखा है, तो मैं नहीं जानता हूँ कि कैसा महसूस होता है।